ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू क्लास 11 गट बायोलॉजी स्टूडेंट्स. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट फाइलम कॉर्डेटा. आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वर्टीब्रेट्स. हम वर्टीब्रेट्स स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी चारों क्लासेस पढ़ेंगे. इन द फर्स्ट क्लासेज सबसे पहले लेकर चलते हैं हम एम्फीबिया. एम्फी मीन्स डूअल या मीन्स लाइफ. बायो वर्ड से बनाइए डूअल लाइफ. सीधा सीधा याद रखें आप ये बात. इट मीन्स दे कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर. लैंड पे भी सर्वाइव कर सकते हैं और वाटर में भी सर्वाइव कर सकते हैं. सीधी बात, टू पेयर ऑफ लिम्स प्रेजेंट होते हैं. इट मीन्स हिंड लिम्स एंड फोर लिम्स प्रेजेंट होते हैं. बॉडी टू पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक. सिर होता है और धड़ होता है केवल. अगर मैं खास बात पर आऊँ, हम कुछ स्पेशल फीचर्स की अगर बात करें तो स्किन जो होती है वो होती है विदाउट स्केल्स. स्किन पर कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं. मतलब स्किन कैसी हो गई, मॉइस्ट हो गई. स्किन मॉइस्ट है, कोई भी स्केल्स प्रेजेंट नहीं है. आईज में, क्योंकि अभी तक हमने ये कैरेक्टर नहीं पढ़ा, आईज के ऊपर आईलिट्स डेवलप हो जाते हैं. और अगर हम बात करें ईयर की तो ईयर में पिन्ना एब्सेंट होता है. इट मीन्स आउटर ईयर इज एब्सेंट. उसका जो वर्क है पूरा ईयर का वो कौन करता है, मिडिल ईयर, दैट इज टिम्पैनम. वही सारा काम करता है. आउटर पिन्ना आपको देखने को नहीं मिलेगा. अब आते हैं हम इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर में. आप इस नाम को याद रखना, क्लोएका. These organisms have a opening in their body that is known as cloaca, जो बाहर की तरफ खुलती है. And this is the opening of three different systems: alimentary canal, urinary system and reproductive system. तीनों सिस्टम एक ही ओपनिंग के थ्रू खुलते हैं बॉडी से बाहर. And this opening is known as क्लोएका. इस ओपनिंग को हम क्या बोलेंगे, क्लोएका. ठीक. अब क्योंकि भाई देखो हैबिटेट डिफरेंट है, लैंड पर है, वाटर में, मॉइस्ट में भी रह सकते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में भी रह सकते हैं, तो इसीलिए जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो भी डिफरेंट है. अगर वाटर में रह रहे हैं तो क्या प्रेजेंट होंगे, गिल्स प्रेजेंट होंगे. जैसे लार्वा होता है टैडपोल लार्वा फ्रॉग का, वो वाटर में रहता है तो उसमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं. हैं, अगर लैंड पर रहते हैं तो क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं. और अगर मॉइस्ट सॉइल में सर्वाइव कर रहे हैं तो ये स्किन को भी अपने एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन यूज कर सकते हैं. अब बात आती है इसके थोड़ा सा इंटरनल ऑर्गन्स पर. ठीक है, तो इंटरनल ऑर्गन की अगर मैं बात करूँ तो थ्री चैम्बर्ड इनमें हार्ट प्रेजेंट होता है. थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. और साथ साथ में ये होते हैं आपके कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म. कोल्ड ब्लडेड मीन्स दे कैन नॉट मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर. इनका बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं होता है. दे कैन चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट. एंड दीज ऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो नोन एज पोइक्लोथर्मल ऑर्गेनिज्म. पोइक्लोथर्मल ऑर्गेनिजम्स भी हम इनको बोलते हैं. कोल्ड ब्लडेड जिनमें बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट ना हो. अब आ जाते हैं हम इसके रिप्रोडक्शन पर कि रिप्रोडक्शन किस तरीके का होता है. तो वही डेवलप्ड है तो ऑब्वियसली बात है सेक्चुअल होगा. सेक्चुअल रिप्रोडक्शन में भी ये हैं मेल फीमेल डिफरेंट. इट मीन्स दीज आर यूनिसेक्चुअल. ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है क्योंकि ये दोनों ही आपने टेंथ में ही पढ़ा होगा, जो फ्रॉग होता है मेल फीमेल दोनों अपने जो स्पर्म और ओवा है वो कहाँ पर डाल देते हैं, पानी में डाल देते हैं. और फर्टिलाइजेशन भी कहाँ होता है, पानी में होता है. इट मीन्स फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है. और इसके जो ज़्यादातर मेम्बर्स होते हैं वो होते हैं ओवीपैरस. जो ओवा प्रोड्यूस करें फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवीपैरस, जो एडल्ट प्रोड्यूस करें वो विवीपैरस. अब बात करें हम डेवलपमेंट की कि डेवलपमेंट किस तरीके का होता है इनमें. क्योंकि भाई कुछ ऑर्गेनिज्म में लार्वा भी बनता है तो वो किस तरह का डेवलपमेंट शो करते हैं, इनडायरेक्ट. जबकि कुछ में डायरेक्टली एडल्ट बन जाता है, मतलब ओवा बन जाता है, ओवा एडल्ट में चेंज हो जाता है. इसीलिए कुछ में क्या होता है आपका डायरेक्ट डेवलपमेंट. If we are going to discuss the examples, examples are very, very, very common. बहुत common example हैं. राना टिगनीना है, ब्यूफो है, हाइला है, सेलामेंडर है. These all are the examples of amphibia. Now I am going to discuss the next class, that is reptilia. अब हम next class discuss करने वाले हैं reptilia. Okay? Word से पता चल रहा है, rept means
द लिटिल लैंग्वेज सेज इट मीन्स क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग, जो क्रॉलिंग और क्रीपिंग कर रहे हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं हम, रेप्टाइल्स बोलते हैं। तो नॉर्मली कैसे हैं ये नेचर में, टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पर सर्वाइव करने वाले ऑर्गेनिज्म्स हैं ये। अब इनकी जो स्किन होती है उन पर कुछ स्केल लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जिनको स्कूट्स बोलते हैं। स्केल लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं स्कूट्स, एक्चुअल में वो ड्राई और कॉर्नीफाइड स्किन होती है। आप लिजार्ड की बॉडी पर अगर देखोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगी जो उसको ड्राई बनाती हैं, कॉर्नीफाइड थोड़ी सी खुरदरी बनाती हैं। ये एक्चुअल में ये स्केल्स होते हैं जिनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, स्कूट्स। ठीक है, सेम यहाँ पर है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट नहीं होता, टिम्पैनम प्रेजेंट होता है, ठीक है, पिन्ना प्रेजेंट नहीं होता यहाँ पर भी। ठीक, अब मैं बात करूँ थोड़ा इंटरनल ऑर्गन्स पर आ जाऊँ, और सेम फीचर है अगर आप देखोगे तो टू पेयर ऑफ लिम्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, हिड लिम्स और फोर लिम्स दोनों प्रेजेंट है। सेम है यहाँ पर भी, क्या है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट है, थ्री चैम्बर्ड हार्ट मिलेगा, टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से जैसे एम्फीबिया कोल्ड ब्लडेड होते हैं ना, ये भी किस तरह से होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब ये भी अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रख सकते। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल आता है जो हमने टेंथ में भी पढ़ा है, क्रोकोडाइल हैज़ फोर चैम्बर्ड हार्ट। क्रोकोडाइल में कैसा हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर आते हैं हम स्पेशल फीचर लेकर। आपने देखा होगा जब सांप, इट मीन जब ये रेप्टाइल जो हैं मैच्योर से मैच्योर होते हैं तो अपनी पुरानी स्किन को उतारते हैं, एंड दिस रिलीजिंग द रिलीजिंग प्रोसेस ऑफ ओल्ड स्किन बाय आफ्टर इट दे बिकम मैच्योर, दिस रिलीज्ड स्किन इज नोन एज स्किन कास्ट। सुना होगा आपने, सांप की केंचुली जो होती है वो क्या होता है, जब इमैच्योर से मैच्योर कंडीशन में आता है तो अपनी जो ओल्ड स्किन है उसको रिमूव करता है। सो दिस रिमूवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर मैच्योरिटी, एंड दिस रिमूव्ड स्किन इज नोन एज स्किन कास्ट। लिजार्ड भी करती है ऐसा, स्नेक भी करता है, मतलब ये कॉमन फीचर है आपको देखने को मिल जाएगा। अगर मैं आऊँ रिप्रोडक्शन पे तो ये होते हैं यूनिसेक्चुअल, मतलब मेल फीमेल डिफरेंट होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है, फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल है, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा। ये भी कैसे होते हैं बेटा, ये भी होते हैं ओवीपैरस, ओवा प्रोड्यूस करते हैं ये। ठीक है, और डेवलपमेंट में कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, इसीलिए डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट। एग्जांपल की बात करूँ, टर्टल है, टॉर्टोइज है, कोबरा, नाजा कोबरा है, ठीक है, वाइपेरा रसैली है, बहुत ये पॉइजनस स्नेक्स भी है, नॉन पॉइजनस, और बॉल लिजार्ड है आपकी जिसको हेमीडेक्टाइलस कहते हैं। इट मीन्स ऑल द कॉमन मेंबर्स विच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉलिंग एंड क्रीपिंग। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट टू क्लासेस, एप्स एंड मैमल्स। क्लासेस एप्स, इट मीन्स बर्ड्स, दे कैन फ्लाई, यहाँ पर दे हैव फेदर्स इन देयर बॉडी बाई विच दे कैन फ्लाई, एंड दीज फेदर्स आर देयर मॉडिफाइड फोर लिम्स। आगे वाले जो लिम्स होते हैं वही मॉडिफाई होकर क्या बनाते हैं, फेदर्स बनाते हैं। लेकिन हमें मालूम है बहुत सारी फ्लाइटलेस बर्ड्स भी होती हैं जो उड़ नहीं पाती हैं ड्यू टू देयर हैवी वेट। सो दिस द एग्जाम्पल ऑफ फ्लाइटलेस बर्ड इज ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच जो है वो उड़ नहीं पाती है, तो एग्जाम्पल आप याद रखना, दैट इज ऑस्ट्रिच, एक्सेप्शन है। ठीक है, और रीजन क्या है, क्योंकि वेट कैसा होता है, हैवी होता है, इसीलिए उड़ नहीं पाते। बीक प्रेजेंट होती है, ठीक है, टीथ की जगह बीक प्रेजेंट होती है। इसके अलावा इनके जो हिंड लिम्स हैं वो भी मॉडिफाई होकर स्केल्स बनाते हैं, ठीक है, हिंड लिम्स, और वो बहुत कामों में काम आते हैं। हिंड लिम्स स्केल्स प्रेजेंट होते हैं उन पर, और वो वॉकिंग में काम आते हैं, स्विमिंग में काम आते हैं, और स्पेशली क्लास्पिंग में, इट मीन्स ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन जब कॉपुलेशन करना होता है मेल को, तो उस ड्यूरेशन पर भी काम आते हैं। नॉर्मली जो इनकी स्किन होती है बेटा वो होती है ड्राई, लेकिन आप देखोगे लास्ट में एक टेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जो उनको बैठने में एक जगह हेल्प करती है, वहाँ पर प्रेजेंट होती हैं ऑयल ग्लैंड्स, मतलब जो इनका टर्मिनल पोर्शन है वो हल्का सा क्या होता है, चिकना होता है, ऑयली होता है। अब पूरी जो बॉडी है वो कैसी है, बोनी, मतलब बोनी एंडोस्केलेटन प्रेजेंट है, सीधी सीधी बात है। अब मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी एक और इंपॉर्टेंट बात, कि इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल है, इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ट्रैक्ट है जो इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वहाँ पर दो एडिशनल चैम्बर होता है जहाँ पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, दैट इज क्रॉप एंड गिजार्ड। ये दो चैम्बर होते हैं एडिशनल चैम्बर इनकी एलिमेंट्री कैनाल में। ठीक, अब आते हैं इनके इंपॉर्टेंट, मतलब एडेप्टिव फीचर पर, कि इनमें क्या फीचर होते हैं जिसकी वजह से ये फ्लाई कर पाते हैं। सबसे पहले दे हैव न्यूमैटिक बोन्स, इनमें न्यूमैटिक बोन्स प्रेजेंट होती हैं, इट मीन्स हॉलो बोन्स होती हैं,
अंदर से खोखली होती हैं, जब वेट नहीं होगा तो आसानी से उड़ पाएंगे, पहला फीचर। दूसरा, फीमेल में केवल लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट होती है, लेफ्ट ओवरी, एक एक ओवरी का वेट रिड्यूस हो गया। उसके अलावा एक और फीचर है इसका, एडेप्टिव फीचर, वो है दे प्रोड्यूस यूरिक एसिड। यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं अपने एक्सक्रीटा के की तरह, जिसका वेट बहुत कम होता है और बॉडी में अगर मान के चलो कुछ और होता है, यूरिया होता, अमोनिया होता, तो काफ़ी वेट बढ़ जाता है इसके यूरिनरी ब्लैडर में, लेकिन यूरिक एसिड बहुत लाइट वेटेड होता है, अगर ब्लैडर में कलेक्ट भी हो गया तो वो वेट उसका बढ़ाएगा नहीं, जिससे कि बॉडी क्या रहेगी, मतलब रहेगी इस लायक कि वो उड़ पाए आसानी से। ठीक है, सो दीज आर द एडेप्टिव फीचर्स। अभी कभी आए क्वेश्चन के राइट द एडेप्टिव फीचर्स ऑफ बर्ड, तो आपको ये लिखने हैं वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हार्ट की। तो हार्ट भाई यहाँ पर हो गया आपका फोर चैम्बर्ड, मतलब टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, इट मींस दीज आर होमियोथर्मल, अपना बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट रख सकते हैं। वर्ड आ गया होमो, मतलब कांस्टेंट रहेगा, वहाँ पर सेम रहेगा आपका जो टेम्परेचर है बॉडी का। रिप्रोडक्शन की अगर मैं बात करूँ, रेस्पिरेशन के लिए सीधा सीधा लंग्स प्रेजेंट होंगे वहाँ पर। ठीक है, अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो सीधा ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेक्चुअल होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन करते हैं, उसके अलावा ये तो सबको मालूम है ये कैसे होते हैं, ओवीपैरस होते हैं, एंड डेवलपमेंट इज आल्सो डायरेक्ट। डेवलपमेंट भी कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। तो बहुत सारी बर्ड्स हैं इस कैटेगरी में जो आती हैं, जैसे कोलंबा लेबिया, पिजन है आपका, कॉर्बस, क्रो है, तो ऑल द बर्ड्स कम इन दिस कैटेगरी। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट क्लास एंड द लास्ट क्लास, दैट इज मैमल्स। वर्ड ही बता रहा है पहला फीचर, दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स टू फीड देयर यंग वंस। इनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, जिससे अपने ये यंग वंस को क्या कराते हैं, फीड कराते हैं। एक तरह से आप इनको कॉस्मोपॉलिटन भी बोल सकते हो, क्योंकि हर जगह प्रेजेंट होते हैं, वाटर में, इट मीन्स एक्वेटिक भी होते हैं, टेस्टियल भी होते हैं, आर्बोरियल भी होते हैं, हर जगह ये सर्वाइव आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, फ्लाइंग भी कर सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं, मतलब मैनी फीचर्स आर देयर। लिम्स जो प्रेजेंट होते हैं वो अपने वॉकिंग में, हमें मालूम है टेट्रापोडा में आ रहे हैं तो फोर लिम्स हैं, फोर लिम्स हो गए टू, और टू हिंड लिम्स हो गए, तो वॉकिंग में काम आ रहे हैं, रनिंग में काम आ रहे हैं, बोरोइंग में काम आ रहे हैं, स्विमिंग में काम आ रहे हैं, फ्लाइंग में काम आ रहे हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट फीचर पर, स्किन कैसी है, हेयरी स्किन है, बॉडी पर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अभी तक देखो पिन्ना की बात नहीं हुई थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, पिन्ना डेवलप हो जाता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है। इसके अलावा ये होते हैं हेट्रोडोंट, हेट्रो मींस वेरियस, डिफरेंट, डोंट मींस टीथ, डिफरेंट टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं। तो तुम्हें मालूम होंगे इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, अलग अलग तरह के टीथ होते हैं जो अलग अलग कामों में यूज किए जाते हैं। हार्ट कैसा है, फोर चैम्बर्ड टू ऑरिकल टू वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलेशन मिलता है। ठीक है, और साथ साथ में ये भी कैसे हैं, वार्म ब्लडेड, इट मींस दे हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, एंड दे हैव लंग्स फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं। बात करें अगर रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन भाई एडवांस टाइप का, दे आर यूनिसेक्सुअल, डेवलपमेंट सॉरी फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसा है, डायरेक्ट है, और कैसे हैं, विवीपैरस, बेबी प्रोड्यूस करते हैं। एक मेंबर है प्लेटीपस, जो कि कैसा होता है, ओवीपैरस होता है, एक्सेप्शन है, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म आर विवीपैरस, एंड प्लेटीपस इज द ओवीपैरस इन नेचर। सो दिस इज ऑल अबाउट, अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, हमने इतने सारे एग्जाम्पल क्लासिफिकेशन, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रेस, होमो सेपियंस, ऑल कम इन द कैटेगरी ऑफ मैमल्स। सो नाउ वी हैव कम्प्लीटेड चैप्टर फोर्थ, यूनिट फर्स्ट इज ऑल्सो कम्प्लीटेड, नेक्स्ट टाइम आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड यूनिट। ओके, टिल देन गुड बाय, हैव अ ब्यूटिफुल डे।